हेलो पेट लवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गोल्डन ऑरा। आज का वीडियो ऑरा की डाइट के बारे में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम ऑरा को कौन सा फूड देते हैं, क्या सप्लीमेंट्स ऑरा को देते हैं हम लोग, और ऑरा की डाइट के रिगार्डिंग हर चीज़ जो भी इम्पोर्टेंट है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जब आप अपना पपी ब्रीडर या फिर कोई शॉपकीपर से ले तो उसे ज़रूर पूछिए कि वो कौन सा फूड देता था, क्योंकि अगर आप फूड सडनली चेंज कर दोगे तो पपी को डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर लूज मोशन होना भी पॉसिबल है। तो इसे अवॉइड करने के लिए ट्रांजिशन देना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ब्रीडर या शॉपकीपर पपी को दही चावल खिलाता था तो फर्स्ट आप ऐसा कर सकते हैं कि 75% दही चावल और 25% रॉयल कैनिन का फीड। फिर दो दिन तक इसे कंटिन्यू करने के बाद 50-50% आप दोनों दही चावल और रॉयल कैनिन दे सकते हैं, और फिर एंड में 75% रॉयल कैनिन और 25% दही चावल देके आप ये ट्रांजिशन को स्मूथली कवर कर सकते हैं। इससे आपके पपी को डाइजेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और वो बहुत इजीली रॉयल कैनिन पे या फिर आपका जो भी डिजायर्ड फूड है उस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी ऑरा की मील बनाते हैं। तो चलिए अब ऑरा का मील प्रिपेयर करते हैं। पहले सिर्फ 1/4 कप रॉयल कैनिन लीजिए, या 1/4 कप को आप बोल में डाल दीजिए, और इसमें बॉइलिंग वाटर 1/2 कप, और इसको 10 मिनट्स के लिए ढक दीजिए। आइए देखते हैं ऑरा का फूड रेडी है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फूल चुका है। ये प्रोसेस इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि ऑरा भी बहुत छोटी है और उसे बाइट करने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उसके टीथ इतने बड़े नहीं हुए, और ये सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है फूड जिससे उसको डाइजेशन में भी बहुत ईजी जाता है। इसके साथ अब हम कुछ सप्लीमेंट्स भी ऐड करेंगे जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर ने हमें बताए थे। तो लेट्स पुट द फूड इन द बोल। इसमें डॉग को खाने में बहुत आसान होता है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये बाय वन गेट वन फ्री मैंने अमेजोन से लिया था। अब ये जो पहली चीज़ है वो है मल्टी वाइटामिन्स। इसका हम 1 ml ऐड करेंगे। आप थोड़ा मेजरमेंट लेके करेंगे तो ईजी होगा आपके लिए। फूड आपको दिन में 4 बार देना है, ये सब हमारे वेटरनरी डॉक्टर ने हमें बताया था। और हमारी फर्स्ट पेट, इसलिए हमें खुद को पता नहीं था। ये कैल्शियम है, ये भी आपको पपी को 1 ml देना है हर मील के साथ। और ये लास्ट जो है वो लिवर टॉनिक है, और ये आपको दिन में सिर्फ 2 बार पपी को देना है 1-1 ml। इससे पपी की मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहती है और उसे डाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती है। अब फूड को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए, और ये जो रिंग्स बन चुकी है आप अगर इसे तोड़ भी दोगे तो बहुत इजी हो जाएगा पपी को खाना खाने के लिए। इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए, तब तक मैं इस फूड को तोड़ देता हूँ छोटे छोटे पीसेस में ताकि ऑरा को खाने में आसानी हो जाए। ऑरा को स्मेल आ चुकी है फूड की, वो उठ चुकी है, सोई हुई थी वो। अब हम ऑरा को फूड देंगे और मैं आपको बताता हूँ कि वो कितनी एक्साइटेड हो जाती है उसके फूड को देखकर, और वो हमारे कमांड्स भी मानती है। ऑरा ऑरा, सिट सिट डाउन, गुड सिट डाउन, गुड गर्ल ऑरा, नो सिट ऑरा। आप मेक श्योर कीजिए कि आप पपी के पास है जब वो खाए। बचपन से उसे आदत लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि जब वो बड़ी हो तो अटैक वगैरह ना करे जब आप उसे खाना दे, और हो सके तो फूड को उसके पास पास ले जाए ताकि उसे खाने में प्रॉब्लम कोई ना हो। बहुत पसंद है रॉयल कैनिन का फूड। ये जो हमारी ऑरा है वो फूड बहुत तेज़ खाती है, और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन बड़े होकर डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक चीज़ आती है जिसको स्लो फीडर कहते हैं, और उसमें पपी को खाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपका पपी बहुत जल्दी खाना खाता है तो आप एक स्लो फीडर ले सकते हैं। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको कोई भी
क्वेश्चंस हो पपी के फूड और डाइट के रिगार्डिंग, तो फील फ्री टू क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपका वहाँ पे जवाब दूंगा। और गाइज, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम ऐसे अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। एंड दिस इज़ मी एंड ऑरा साइनिंग ऑफ।